वेलकम स्टूडेंट्स इन FY BSc क्लास मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट अलजेब्रा। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। टुडे वी स्टडी द रिलेशन। सो रिलेशन इज फ्रॉम अ सेट कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई इज एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। हियर x cross y is Cartesian product of x and y, and we know that the elements of Cartesian product are in ordered pair form. Means relation के लिए important thing क्या है, कोई भी दो element का होना और कोई भी दो person का, क्योंकि relation को हम किसी भी दो लोगों के दरमियान define करते हैं। जैसे अभी मेरे बीच में और आपके बीच में relation जो है वो क्या है, एक teacher और student का। सिमिलरली आपके पेरेंट्स के साथ में आपका रिलेशन क्या है, आइदर फादर और डॉटर या तो फिर फादर और सन। सिमिलरली आपकी मदर के साथ भी सेम आपका रिलेशन क्या रहेगा, मदर सन मदर डॉटर। तो यहाँ पे रिलेशन के लिए इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, दो पर्सन या तो फिर दो एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। कलेक्शन आर ऑफ सर्टेन ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हमारा रिलेशन आर रहेगा उसमें हम कलेक्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई को, वेयर स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हमारे फर्स्ट सेट से, एंड सेकंड एलिमेंट से जो हमारे बिलोंग करेगा वो हमारे सेकंड सेट से। इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसे हम और राइट कर सकते हैं x कैपिटल R y, और इसे हम रीड कैसे करते हैं, x इज R रिलेटेड टू y, मीनिंग यहाँ पे x और y के बीच में रिलेशन है। सिमिलरली वी ऑल्सो रीड इट एज x एंड y आर रिलेटेड। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। सपोज अवर कैपिटल x इक्वल टू a b c, अवर सेट y इक्वल टू 1, 2। देन वी हैव डिफाइन x क्रॉस y, यहाँ पे x क्रॉस y ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, तो हो जाएगा a कॉमा 1 a कॉमा 2, b कॉमा 1 b कॉमा 2, सिमिलरली c कॉमा 1 c कॉमा 2। अब रिलेशन जो रहेगा एनी सबसेट ऑफ x क्रॉस y, हम x क्रॉस y का कोई भी सेट कंसीडर करेंगे वो बन जाएगा रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेट अवर r इक्वल टू a कॉमा 1 b कॉमा 1 a कॉमा 2। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन। अब यहाँ पे हमारा डोमेन क्या रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो आप देखिए a b a, तो यहाँ पे a एंड b हमारा डोमेन बन जाएगा, एंड देन जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट जो हमारे हैं 1, 2, 2। यहाँ पे हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। सो अवर रेंज बी कम 1, 2। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे सेट एक्स इक्वल टू राम विजय व्यास। यहाँ पर हमने तीन पर्सन लिए हैं हमारे सेट कैपिटल एक्स में। अवर सेट कैपिटल वाई इक्वल टू पुणे नासिक धुले। हमारा जो सेट वाई है यहाँ पे हमने तीन डिफरेंट प्लेसेस लिया है। सो एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू राम पुणे राम नासिक राम धुले। सिमिलरली विजय पुणे विजय नासिक विजय धुले, एंड व्यास पुणे व्यास नासिक व्यास धुले। सो इट इज़ अवर सेट एक्स क्रॉस वाई। अब यहाँ पे सपोज हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो आर वन है, और ये किसके इक्वल है, राम कॉमा पुणे राम कॉमा धुले। तो ये रिलेशन क्या डिफाइन कर रहा है कि राम हैज़ हिज सिस्टर इन पुणे एंड अनदर सिस्टर इन धुले। राम की जो एक सिस्टर है वो कहाँ पर है, पुणे में, और राम की जो दूसरी सिस्टर है वो कहाँ पर है, धुले में। तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम सेट कैपिटल एक्स टू सेट कैपिटल वाई। सिमिलरली हमारा रिलेशन आर टू इक्वल टू राम
पुणे, विजय, नाशिक, व्यास, धुले। तो ये सेकंड एग्जांपल है रिलेशन की, इज अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल एक्स टू कैपिटल वाई। और ये क्या डिनोट करता है ये रिलेशन, कि पुणे इज नेटिव पैलेस ऑफ राम। सिमिलरली नाशिक इज नेटिव पैलेस ऑफ विजय एंड धुले इज नेटिव पैलेस ऑफ व्यास। तो ये रिलेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राम, विजय और व्यास के नेटिव पैलेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली और हम यहाँ पे आर टू क्या ले सकते हैं, राम, विजय, व्यास आर वर्किंग इन सिटीज पुणे, नाशिक एंड धुले रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर जो है वो राम कहाँ पर वर्क कर रहा है, राम जो है वो पुणे में वर्क कर रहा है। सिमिलरली विजय का जो वर्किंग प्लेस है वो नाशिक है और व्यास का जो वर्किंग प्लेस है धुले है। तो रिलेशन जो है वो सिंपली क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। नाउ हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम एक्स टू वाई कैन बी डिफाइंड। अब यहाँ पे हमें रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है, लेकिन अब हम ऐसे कितने रिलेशंस क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पावर सेट की स्टडी की है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम था हमारा कि अगर हमारे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, n होंगे, देन पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 2^n रहेंगे। नाउ यहाँ पे जो पावर सेट में हम कलेक्शन करते हैं वो क्या करते हैं, ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट। तो यहाँ पे जो है वो रिलेशन क्या रहता है, एनी सेट रहता है ऑफ एक्स क्रॉस वाई, मीनिंग जितने भी सबसेट रहेंगे एक्स क्रॉस वाई के वो क्या फॉर्म करेंगे, रिलेशन फॉर्म करेंगे। सो इफ एक्स इज़ विथ एम एलिमेंट्स एंड कैपिटल वाई इज विथ एन एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स क्रॉस वाई विल बी 2^(mn)। अब यहाँ पर हमारे सेट एक्स क्रॉस वाई में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो m इंटू एन रहेंगे, इसका जो पावर सेट होगा यानी इसके जितने भी सबसेट्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 2^(mn)। हिंस देयर आर 2^(mn) रिलेशन पॉसिबल फ्रॉम एक्स टू वाई, और जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या रहेंगे, एक्चुअल में रिलेशंस रहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन बनेगा 2^(mn) बनेगा। नाउ इफ वी थिंक द रिलेशन फ्रॉम एक्स टू इट्सेल्फ देन देयर विल बी 2^(mn)² स्क्वायर रिलेशन। अब अगर हम यहाँ पे दो डिफरेंट सेट ना लेते हुए एक सेट लेंगे और उस सेट का रिलेशन हम उसी सेट के साथ बताएंगे, मीन्स हमारा जो रिलेशन रहेगा वो किसका सबसेट रहेगा, एक्स क्रॉस एक्स का, तब जो हमारे रिलेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2^(mn)² रिलेशंस रहेंगे। क्योंकि अब हमारे सेट एक्स क्रॉस एक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m इंटू एम, दैट इज m स्क्वायर। तो इसका जो पावर सेट कंसिस्ट करेगा कितने सबसेट को कंसिस्ट करेगा, 2^(mn)², और वो सबसेट्स एक्चुअल में क्या बन जाएगा, रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम x टू x इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ टू ईच x बिलोंग्स टू कैपिटल X द ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा x बिलोंग्स टू R। नाउ अब हमें अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, अगर हर एलिमेंट जो हमारे सेट में प्रेजेंट है वो खुद से ही रिलेटेड रहेगा, मीन्स x इज r रिलेटेड टू x, और हम इसे राइट करेंगे x कॉमा x बिलोंग्स टू r, तब हमारा रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेट अवर सेट कैपिटल x इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। तो हमारे सेट में जितनी भी लाइन हमारे प्लेन से में प्रेजेंट है वो इंक्लूड होंगी। रिलेशन R इज डिफाइंड एज x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब यहाँ पर x एंड y दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x रिलेटेड टू y और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R इफ x इज पैरेलल टू y,
रिलेशन क्या रहेगा एक्स एंड वाई के बीच में, कि एक्स एंड वाई क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी, ये हमारा रिलेशन आर है। देन यहाँ पे जो आर है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, क्योंकि एवरी लाइन इन अ प्लेन इज पैरेलल टू इट्सेल्फ, हर लाइन जो है वो क्या होती है, खुद के पैरेलल होती है, देयरफॉर एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू आर, हिन्स इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बट अगर हम एक दूसरा रिलेशन लेंगे एस इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। अब यहाँ पे हमारा रिलेशन एस क्या है, यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है दो परपेंडिकुलर लाइन को, देन एस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि नो लाइन इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती है। नो परपेंडिकुलर मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी, बट कोई भी लाइन खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं कर सकती है, मीन्स हर लाइन खुद से रिलेटेड नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन कैपिटल आर इन कैपिटल एक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इफ फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, वेन एवर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, देन वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मीन्स अगर एक्स रिलेटेड टू वाई होगा तो सिमिलरली वाई भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अवर एक्स इज सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड अवर रिलेशन एस इज एक्स कॉमा वाई, इफ एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, दो लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा रिलेशन है। नाउ फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं, हमें शो क्या करना है कि वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एक्स। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई। नाउ दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर है तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई, रिवर्स से हम इसको कह सकते हैं वाई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वाई, क्योंकि वो दोनों फॉर्म कर रही हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, सो वी इम्प्लाई वाई इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एस, हिन्स एस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन कैपिटल एक्स इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, इफ फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, वेन एवर एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, अगर यहाँ पे एक्स रिलेटेड रहेगा वाई से एंड वाई रिलेटेड रहेगा जेड से, तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक्स इज ऑल्सो रिलेटेड टू जेड, देन वी से दैट अ रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स इज सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एक फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं, मदर फादर डॉटर सन सिस्टर ब्रदर्स, ये सारे किसमें हैं, हमारे सेट कैपिटल एक्स में प्रेजेंट है। अब हमारा रिलेशन आर क्या है, एक्स कॉमा वाई, अब यहाँ पे एक्स कॉमा वाई जो डिनोट कर रहे हैं वो फैमिली मेम्बर्स को, दो फैमिली मेम्बर्स को डिनोट कर रहे हैं, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, एक्स जो है वो किसका ब्रदर है, वाई का, देन यहाँ पे हमारा जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है। नाउ सपोज एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, अब हमें शो क्या करने का रहेगा, एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। नाउ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एंड सिमिलरली वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, मीन्स यहाँ पे ये तीन जो है वो एक्स ब्रदर है वाई का, और वाई जो ब्रदर है किसका, जेड का, तो ऑटोमेटिक जो है वो एक्स क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा जेड का। सो इट इज़ क्लियर दैट
एक्स इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ जेड एंड ये इम्प्लाई करेगा एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। थैंक यू।